आदमी सिर हिलाता है और मनीष रूही का फोन बजता है और देखता है कि वह एक हॉस्पिटल का कॉल देखता है और वह सोचता है कि क्या फिर यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रही है। और वहाँ पर रूही उससे उसके बारे में पूछता है और वहाँ पर वह सोचती है कि क्या मैं उसे बताऊं, और वह चिंता करेगा और वह कहता है कि यह अच्छा है कि अभीरा घर आती है। और वहाँ पर खुशी से वहाँ पर गीत गाती है और वहाँ पर सारे आदमी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और आदमी कहता है कि हम यहाँ पर अर्थिंग का काम करने आए थे। और वहाँ पर विद्या कहती है कि मैं माधव को नहीं जानने दूंगी और मैं इसे किसके साथ समझाऊँ। और वहाँ पर माधव बोलते हैं, वहाँ पर माधव को बुलाती है और वहाँ पर अभीरा वहाँ पर विद्या को झूम कर गिरने देखती है और वहाँ पर वह चिल्लाती है और उसे दादी सा के शब्दों का याद आता है और वह घर के अंदर भागती है और विद्या को दूर धक्का दे देती है और झूमर गिर जाता है और विद्या और अभीरा गिर जाते हैं। अरमान अभीरा से पूछता है कि आपकी क्या समस्या है। वह कहती है कि मैं सिर्फ मम्मा और मैं तुम्हारे से प्यार करता था और जानबूझकर मेरा दिल तोड़ दिया। और वह कहता है कि आप अपना भाग्य लिखें और मैं हमेशा से आपको चुनूंगा। इस कहानी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी अभीरा जिस तरीके से विद्या को अभी झूमर के नीचे से गिरने से बचा ली है, वहाँ पर अब क्या विद्या के जो सोच है और वो क्या अभीरा के बारे में जो सोचती थी वो उसकी सोच बदलेगी कि नहीं, अभीरा के लिए उसका प्यार उभरे कि नहीं, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। उसके लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट से समझ लिखना बिल्कुल भूलें। साथ ही इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।